हेलो फ्रेंड्स, रूबर्स किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर कॉर्न सेब बना रही हूँ, यानी कि मक्का वाले सेब। तो मैं उसको बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की मैं मुझे ज़रूरत पड़ती है तो वो मैं आज आपको बता रही हूँ, और वो सेब कैसे बनते हैं उनको भी मैं आपको बताती हूँ। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कटोरी के करीब मैंने मक्का का आटा लिया है, और साथ ही साथ मैं इसमें 3 स्पून के करीब मैं इसमें राइस फ्लोर ऐड करूँगी, चावल का आटा और बाकी सारे मसाले ऐड करूँगी। तो मैं आपको बताती जाती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या मसाले ऐड किए हैं और क्या क्या सामान। तो मैंने ये लिया है यहाँ पर 3 स्पून राइस फ्लोर, और मैंने 1.5 कटोरी यहाँ पे मक्के का आटा डाला हुआ है पहले से ही, और इसमें मैंने 3 स्पून राइस फ्लोर ले लिया। तो ये मेरा 3 चम्मच राइस फ्लोर हो गया, और यहाँ पे मैंने लिए 1/2 टीस्पून अजवाइन, और इसको हाथ से इस तरह से मसल के डालना है। मुझे इसमें हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसमें 1/2 टीस्पून हींग ले रही हूँ, और साथ ही साथ मैंने 1 पिंच के करीब इसमें जिंजर पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक साल्ट और 1/2 टीस्पून व्हाइट साल्ट, हाफ टी स्पून हल्दी टर्मरिक पाउडर और 1/2 टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, और साथ ही साथ मैं इसमें 1 स्पून के करीब इसमें व्हाइट वाले तिल, अगर आपके पास काले तिल हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं, और मैं इसमें व्हाइट वाले तिल ऐड कर रही हूँ। मैंने ये सिर्फ इसमें 1 स्पून के करीब ऐड किए हैं, इससे ज़्यादा मैं ये तिल इसमें नहीं ऐड करूँगी। और 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल लिया है, तो देखिए सिर्फ मैं इतना ही, क्योंकि मक्का का आटा जब भी हम डालते हैं तो उसमें एक अपना ही क्रंच होता है, तो या हम चपाती या कोई भी स्नैक्स बनाते हैं तो कॉर्नफ्लेक्स में अपना ही क्रंच होता ही होता है, तो हमें ज़्यादा इसमें ऑयल ऐड नहीं करना है, और आप स्किप भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये, और मुझे अब इसका डो बनाकर तैयार करना है, तो मैं इसका डो पानी से तैयार करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा ये डो कैसे बनकर रेडी हुआ है। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल गरम करने रख दिया है, डो है ना हार्ड नहीं होना चाहिए, एक सॉफ्ट डो बनना चाहिए। अगर हार्ड डो बनाएंगे इसका तो ये मशीन से रुक रुक कर निकलेगा और आपके सेब अच्छे नहीं बनेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा ये डो कैसे बन के तैयार हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा डो बन के तैयार हो गया, और बस मैं इसको जरा सा इस तरह से मसल लूँगी ताकि ये मेरे मशीन में डालने के लिए तैयार हो जाए।
देखिए एक सॉफ्ट डो की तरह ये बन गया है, और इस तरह से मेरी ये मशीन 19 ईयर्स हो चुके हैं इसको, और मैं इसी में कई सारे स्नैक्स ऐसे बनाती हूँ, और आपके साथ अपनी कई सारी ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जो आप ज़रूर अपने घर में बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरा ऑयल भी गरम हो चुका है, और मैं आपको डालकर इसमें सेव बताती हूँ ये मेरी सेव कैसे बनी है। और गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, हाई फ्लेम ना करें। देखिए कितने अच्छे से मेरे सेम निकल रहे हैं। और ये मस्टर्ड ऑयल मेरा ये प्योर है, क्योंकि मैं इसको मस्टर्ड खरीद कर मैं इसको घर पर ही निकलवाती हूँ ऑयल को। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कोई भी स्नैक्स वगैरह आप उसके कलर के बेस पर ही खाना नहीं खाना चाहें। रिफाइंड ऑयल आर्टिफिशियल होता है और उसमें केमिकल मिलाया जाता है, तो जहाँ तक हो सके आप मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करें। देखिए मेरे सेब कितने अच्छे बनकर रेडी हुए हैं, और एक अच्छा सा क्रंच इसमें आया है। और देखिए कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है इसमें, ये काफ़ी क्रिस्पी बने हैं ये सेब। मैं आपको यहाँ पर एक तोड़कर भी दिखाती हूँ, कितने सॉफ्ट बने हैं, साथ ही साथ इसमें इतना क्रंच है। तो बताइए ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और मेरी वीडियो को देखकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कमेंट्स करके कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो देखिए मैं इसको ऐसे गिरा रही हूँ तो इसमें कितनी आवाज़ आ रही है, और ये उतने ही सॉफ्ट बने हैं। आप इन्हें सेब को देखकर आप अपने नाचोज़ पैकेट वाले नाचोज़ खाना भूल जाएंगे।
और मैं नाचोस भी घर पर बनाती हूँ, चकली भी बनाती हूँ। चकली की रेसिपी भी मैंने अभी शेयर की थी, लेकिन वो डिलीट हो गई, कॉपीराइट लग गया उस पर। तो अब चलिए कोई नहीं, कि मैं उस आगे भी नई नई रेसिपी आपको और भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, फिर और मैं अपनी नई रेसिपी के साथ फिर आपसे फिर मिलती हूँ। तो थैंक यू।